लखनऊ में वैसे तो ठंड अपने चरम पर है, लेकिन चुनावी माहौल के कारण यहाँ सियासी सरगर्मियां अपने उफान पर है और सियासी घटनाक्रम तेजी से बदलता जा रहा है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद आज अखिलेश यादव फिर से मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे। मुलायम के करीबी सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह अब मान गए हैं और अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। उसके बदले में मुलायम ने अपने समर्थकों के 38 नामों की सूची अखिलेश यादव को दी है। इसमें शिवपाल यादव का नाम नहीं है, उनकी जगह उनके बेटे आदित्य यादव का नाम सूची में है। इसके अलावा अखिलेश यादव द्वारा बर्खास्त किए गए चारों मंत्रियों के नाम भी सूची में है। अंबिका चौधरी, ओम प्रकाश सिंह, नारद राय और शादाब फातिमा जैसे चेहरे भी इस सूची में शामिल हैं। इन लोगों को शिवपाल यादव का करीबी माना जाता है। इसके अलावा अपर्णा यादव का नाम भी इस सूची में बताया जा रहा है। अखिलेश भी इन नामों को लेकर सहमत हैं। वहीं इस बीच सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह यादव ने भाई शिवपाल यादव को सलाह दी है कि वह कोर्ट नहीं जाए और अखिलेश के साथ गतिरोधों को मिलजुल कर खत्म करे। मुलायम सिंह ने शिवपाल से अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को भी कहा है। तो कहीं ना कहीं अब आयोग के फैसले के बाद मुलायम सिंह यादव के रूप में बदलाव आया है, लेकिन इन सब के बीच अखिलेश गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल की है। मतलब कि मुलायम गुट की तरफ से अगर ईसी के फैसले के खिलाफ कोई याचिका दायर की जाती है तो उसका फैसला अखिलेश पक्ष को सुने बिना नहीं किया जा सकेगा। देखते रहिए डीबी लाइव।